दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है, फिर तुझको क्यों हैरानी है। कर डाल जो दिल में ठानी है, जब हिम्मत की जो लानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये आप लोगों के लिए मैसेज है अर्जुन से, खास तौर पे ये बल्तिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है, पिछले साल गिलगित में हुआ था इसी तरह के करियर फेस्ट। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, कि ना सिर्फ ये कि वो बेहतर गाइडेंस हासिल कर सकें अपने फ्यूचर के बारे में, कौन सा करियर अपनाना है, किस क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, बल्कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो मुझे देखने में मिली वो ये है कि यहाँ पर हायर एजुकेशन और वो तमाम और भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान लेवल के भी आए हुए हैं जो बच्चों को फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, ताकि वो तमाम लोग जिनको ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ तो अवेलेबल हैं लेकिन फाइनेंशियल रुकावटें हैं, वो भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं उन तमाम जो एक नेशनल लेवल के ऊपर और गिलगित बल्तिस्तान लेवल के ऊपर जो मैयज़ लिए गए हैं उनसे। और मुझे आई थिंक इस तरह के फोरम जो हैं वो बच्चों को अपना मुस्तकबिल को सिलेक्ट करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट चीफ सेक्रेटरी साहब कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह के मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर कैरियर फेस्ट और इससे हवाले से चीज़ें होती रहेंगी, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो टैलेंट है, जो बच्चों के अंदर इंटेलेक्ट है, जो जोश है कुछ कर गुजरने की, जो एक ख्वाहिश है, उसको जो है बहुत बेहतर तरीके से चैनलाइज किया जा सके और वो आइंदा आने वाले वक्तों में अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के साथ एक बेहतर इंसान के तौर पे, बेहतर पाकिस्तानी के तौर पे उभर सकें और अपने ख़ानदान, मुल्क और इलाके के लिए काम कर सकें। दो मौसम हैं, पहला जो मौसम है ना वो टूरिज़्म का है। टूरिज़्म के मौसम के अंदर इकोनॉमिक साइकिल पूरा गिलगित बल्तिस्तान का वो जो है ना वो टूरिज़्म ड्रिवन है। जिस तरह आप लोगों ने बात की कि इस तरह के इवेंट्स जो है इसमें यहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से किस तरीके से करियर को अपनाना है उसके मुख्तलिफ भी स्टॉल्स और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे डिस्प्लेड थी, और डेफिनेटली ये बाहर के लोगों को भी अट्रैक्ट करता है जो यहाँ पाकिस्तान लेवल पे नर्स, नमल और इस तरह के बहुत सी इंस्टीट्यूशन जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं उनके बच्चे बच्चियाँ आते हैं, वो भी ना सिर्फ यहाँ के बच्चों को इंस्पायर करते हैं बल्कि टूरिज़्म के अंदर भी एक इनडायरेक्ट एक रोल प्ले करते हैं। खेलों के हवाले से एक पोलो सीज़न था वो हो चुका है, इंशाल्लाह अभी आगे आप देखेंगे गिलगित में हम बहुत जल्दी एक वहाब शहीद जो हैं मेजर वहाब शहीद के नाम से हम एक पोलो ग्राउंड बना रहे हैं जो कि फ्लड लाइट, पहला गिलगित बल्तिस्तान का फ्लड लाइट पोलो ग्राउंड होगा और वो शिंदूर के जो उसकी डायमेंशनस हैं उसके हिसाब से होगा। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से दिन को चूंकि पोलो नहीं हो सकती तो वो प्रमोट करेगा कि रात को भी पोलो खेलने के मौके मिलेंगे, और मुझे यकीन है कि ये एक नेशनल यहाँ का एक स्पोर्ट्स है जीबी की और बहुत पॉपुलर है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि लोग जो हैं वो पूरा साल जो है पोलो के खेल से ना सिर्फ लुत्फानंदोज़ हो सकें जो सयाह आते हैं उनको, बल्कि बच्चे और जो इसको अपनाना चाहते हैं एज ए करियर उनको भी अपॉर्चुनिटी हो। हमने लास्ट ईयर भी नेशनल यूथ फोरम जो है बच्चों का, जीबी का जो यूथ फोरम है उसके तहत एक मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो हमने किया था। इंशाल्लाह ये 1 नवंबर आ रहा है गिलगित का जो लिबरेशन डे है उसके हवाले से हम दोबारा जो है ना जीबी जो यूथ फोरम है फेस्टिवल यंगस्टर्स का उसी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इस साल दोबारा इंशाल्लाह स्पॉन्सर करेंगे, और आप देखेंगे कि वो तमाम स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो कि अगर आपको इस साल थोड़ा सा गैप नज़र आया तो वो गैप इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्द उसको हम फिल कर रहे हैं। सर मेरा नाम नसीबुल्ला है और मेरा ताल्लुक ज़िला दियामर के शहर चिलास से है, और मैं बॉयज़ डिग्री कॉलेज चिलास का स्टूडेंट हूँ, और
और हम कल यहाँ आए थे इस फेस्टिवल में, और हमने ये सीखा यहाँ पर इस फेस्टिवल में कि जो स्टूडेंट होता है सेकेंड ईयर का, उसको सेकेंड ईयर करने के बाद क्या चूज़ करना चाहिए। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं सेकेंड ईयर के सर, वो सेकेंड ईयर होने के बाद परेशान होते हैं कि उनको कौन सी फील्ड में जानी है, कौन सा करियर चूज़ करना है। तो हमें ये फेस्टिवल ये बताता है कि आपने घबराना नहीं है, सेकेंड ईयर के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपके सामने बहुत सारे इदारे हैं, आपकी जो फेवरेट है, आपकी जो जिसमें आपके स्पेशलाइज्ड हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमने सिकरदू भी नहीं देखा था इससे पहले, और यहाँ आने की वजह से हमने सिकरदू भी देखा, और हम स्पेशली चिलास से अमन का पैगाम लेके आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शहरी आपस में भाई भाई हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम सब आपस में मिलजुल के रहें और इतफाक कायम करें। और मैं स्पेशली चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस फेस्टिवल का आगाज़ किया और यहाँ पर हम सबको जमा किया, और हम सब आपस में मिले और हमने मोहब्बत का इजहार किया आपस में। और स्पेशली मैं अपने डिग्री कॉलेज सिकरदू के बॉयज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन लोगों ने खुशी हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया और हमारा बहुत ही अच्छा ख्याल रखा। थैंक यू सर।